प्यारे बच्चों, आप सब इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में पहला पाठ है हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियां। हड़प्पा की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष उस समय मिलने लगे जब अंग्रेज वर्तमान समय में पाकिस्तान कराची से लाहौर के बीच रेलवे पटरी बिछवाने के लिए उत्खनन कार्य अंग्रेजों ने शुरू किया था। उस समय खुदाई में विचित्र प्रकार की वस्तुएं मिलने लगी। मजदूर डर गए और उन लोगों ने खुदाई का कार्य स्थगित कर दिया। उसी समय से ही यह अनुमान लगाया जाने लगा कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता अवश्य रही होगी। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह विश्व की सभी, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, उन सभी सभ्यताओं से अति प्राचीन सभ्यता है। जब इस सभ्यता की खोज हुई तब यह लगा कि भारत में भी उस समय यह एक नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। अब प्रश्न उठता है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ तो इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता क्यों पड़ा। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का समय क्या था, काल क्या था। समय के बारे में अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान, अलग अलग तिथियां अपने माध्यम से बताते हैं। पहली तिथि है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच इसका समय है। कुछ विद्वान बताते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की सभ्यता का काल है। यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता का काल है, इसके बारे में सभी इतिहासकारों में एक राय नहीं है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से ही सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिलने शुरू हुए। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, मॉन्टगोमरी जिले में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने इस स्थान की खुदाई करके सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्रदान किए। सिंधु घाटी की सभ्यता का पहला स्थान होने के कारण इसको हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की खुदाई में प्रस्तर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति और कब्रिस्तान के अवशेष मिले हुए हैं। उसके बाद दूसरा स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये मोहनजोदड़ो भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में लड़काना जिला है, वहीं पर यह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखाल दास बनर्जी ने किया 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला, नर्तकी की मूर्ति मिली। ये सब अवशेष मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुए। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत पुरानी होते हुए भी एक नगरीय सभ्यता थी। तीसरी जगह है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो भी पाकिस्तान में है। चन्नूदड़ो की खुदाई
एनजी मजूमदार ने करवाई थी और वहाँ पर मनके का एक विशाल कारखाना प्राप्त हुआ। तो जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता का फैलाव जो हुआ था, कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थानों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कालीबंगन, लोहान, लोथल और बनावली, ये सब जो प्रसिद्ध नगर थे, खुदाई करने पर ये सब नगर मिले हैं और इन नगरों से तमाम प्रकार के अवशेष उस समय के मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है आज तक वह पढ़ी नहीं जा सकी है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में या सिंधु घाटी के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है, उत्खननकार से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इतिहास में आज मैंने आपको पढ़ाया कि हड़प्पा की सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है। प्यारे बच्चों, आप सब इतिहास की किताब खरीद लें, एक कॉपी खरीद लें, ताकि अगर हम नोट्स आपको वीडियो के माध्यम से भेजें तो आप कॉपी पर लिखते चलें। बाकी आप सब अब कक्षा 12 के छात्र हो, आपको बोर्ड की परीक्षा देना है, आप सब परिपक्व हो चुके हो, आप सब पढ़ाई पर ध्यान दें। इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिपूर्ण विषय है, आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।